हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं हूँ इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बाहर। आज हमारे लैब का पीरियड है तो अभी मैं बाहर खड़ी हूँ। ये हमारी बाहर से ऐसी दिखती है जी। हम अंदर चलते हैं, अंदर सर है। यहाँ पे मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं। हमें आज एक वर्क दिया गया है तो लकड़ियाँ काटनी है। काटी कुछ बनाना है जी, तो अंदर चलते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बना रहे हैं हम। सो गाइस, वर्कशॉप के अंदर आ गए हैं जी, और ये हमारी क्लासमेट्स सारे के सारे। तो ये आज हम बना रहे हैं, क्या नाम है इसका एक्सपेरिमेंट का? कैसा लगा मेरा मजाक? तो जिसका कारपेंटरी नाम है, और हमने ये 15-15 फुट के काट लिए। ये स्केल रहा जिससे नापा था। ये मेरी यशिका और ये मुस्कान। अभी भाई नाप रहे हैं। एक और मैथ के पेपर में मैंने क्या किया था, स्केल में मेजरमेंट 0 से लेते ना, मैंने 1 से ली थी सारे पेपर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो जी हम इसको काट लेते हैं, उसके बाद आपको दिखा से भी काट के देते हैं। इससे काटा है जी हमने ये 15-15। हाँ ये कर लो पहले। तो गाइस कुछ इतने काट दिए हैं, और ये मेरी बोतल जी, वो काटने लग रहे बच्चे। और जी यहाँ पे ये दोनों कर रहे हैं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो गाइस मेजरमेंट ले रहे हैं, अभी काट लिए हैं सारे, 4 हो गए। अब इसके एक लाइन लगा लिया है क्या। सो गाइस मैं और यूज़ एक टीम में, हमने 4 लकड़ियाँ काट ली हैं, 2-2 से एक एक बनेंगे। पीछे हमारे कूलर चल रहा है इसलिए ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो वो तो बोलेंगी मुझे पता ही था। सो गाइस ये आ गई मारा थी, ये मेरी टीम में है, पार्टनर चेंज कर लिए मैंने। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये दोनों कैटरीन और मैं जी, अब हमारी बारी, अब हम काटते हैं इसको। अब हमने इसमें लगा दिया, मैं इसमें लगा लेती हूँ और इसको काटते हैं फिर। लगा भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस ये काट दिया मैंने, अब इसको छोड़ने की बारी है। दे दे लग जाएगी अच्छा। गजब बेइज्जती है। खुशबू आ गई है क्लास में, ये डॉक्टर से इंजीनियर बनने की तैयारी कर रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वे सारे क्लास के खड़े, इतना तो बना दिया जी, थोड़ा सा और रह रहा है बस। दिखाइए 2 बना दिए ऐसे। सो गाइस इतनी मेहनत के बाद अब ये कर रहे हैं, काट रहे हैं, और ये देखो ऐसा बनेगा। The next morning. गाइस आज था मेरा डांस, तो भाई मैंने साड़ी पहनी है। Just looking like a flower. अभी मैं हूँ ई ब्लॉक में, ये है हमारे डांस, मतलब जो अभी फंक्शन था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके लिए ड्राइंग बनाई हुई है। ये बढ़िया था गुरु। ये हमारा ई ब्लॉक भाई, ये स्टॉल लगे हुए हैं सामने, ए ब्लॉक सॉरी, और ये कान्हा जी की पेंटिंग बनी हुई है। सो गाइस एक साइड ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम के पीछे ये हमारी स्टेट्स लगी हुई हैं, जिस जिस स्टेट का डांस है।
जैसे कि उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ऐसे भाई हर एक स्टेट की, ये हरियाणा रखी हुई है और ये ऑडिटोरियम है। चलो तो ऑडिटोरियम के अंदर चलते हैं दूसरे वाले गेट से। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। तो जी गाइस ये ऑडिटोरियम में घुसते हैं। आयुष भैया हेलो। तो गाइस हमारा डांस हो चुका है अभी गिफ्ट की। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। सो गाइस ऑडिटोरियम से बाहर आ गई हूँ और ऑडिटोरियम में अभी सिर्फ और सिर्फ लास्ट रह गया है गिफ्ट वगैरह प्राइज वगैरह मिलने हैं, कौन सी स्टेट जीती है। और जी हमारा डांस हो चुका है, मैं थोड़ा बहुत दिखा दूंगी, क्लिप डाल दूंगी अगर मेरे को मिल गया तो। अभी जो मैंने डांस कराया है उस फर्स्ट का नाम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। और जी इसमें 3 दिन चले हैं, रैंप वॉक वगैरह हुए, सिंगिंग वगैरह हुए, आज के दिन डांस था, आज तीसरा दिन था और दिन हमारी प्रैक्टिस चल रही थी। मैं आज आई थी यहाँ पे ऑडिटोरियम में, मैंने आज साड़ी पहनी है भाई, साड़ी में डांस था। तो भाई हमारी सेम साड़ी है जो हमारे डांस में, दो और लड़कियाँ थी उनकी येल्लो साड़ी थी। ओके हम बता दें इस शहर की सबसे सुंदर लड़की कौन है पता है? तुम। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान, सौंदर्य। उनको भी दिखाएं? नहीं, अरे भी है ना यहाँ। सो गाइस ये हमारी थर्ड लड़की, इसकी येलो साड़ी है, ये यहाँ पे लगाने का, मैंने लगाया नहीं हुआ। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो गाइज ये था मेरा डांस, तो मैं भाई इसकी ज़्यादा क्लिप नहीं डाल सकती बिकॉज इसमें कॉपीराइट आ जाएगा फिर। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहूँगा। गाइज बॉर्डर पहुँच गए हैं और भाई वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया, कपड़े वगैरह चेंज करे जल्दी से बिकॉज टाइम हो गया था, अभी 5:30 हो रहे हैं। मेरे साथ है मुस्कान, खुशबू और मैं, इसका नाम है मुस्कान है और ये खुशबू रही। बस खड़ी है, बस चलेगी तो बस चलते हैं। तो गाइज मैं घर आ गई हूँ और भाई लंच करने का भी टाइम नहीं मिला था तो दही डाल ली है और जी लंच भी कर लेती हूँ। चावल बना रखे हैं कोमल ने, नमकीन चावल बनाए ना, तो गाइज ये नमकीन चावल भी ले आएगी, एक रोटी खा लेती हूँ और चावल खाएंगे। और जी आज का डे बहुत ज़्यादा बिजी था बिकॉज वो साड़ी वगैरह थी तो बहुत ज़्यादा बोरिंग, मतलब सही था, बस नॉर्मल ही डे था। तो अब खाना खा लेते हैं जी, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस इस व्लॉग को एंड करते आए हूँ, आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाई।